मॉर्निंग एवरीवन, आज तो बहुत गर्मी है मॉर्निंग से ही। तो आज इतनी गर्मी है कि गर्मी के कारण सबकी हालत बेहालत है। सितंबर में इतनी गर्मी बता नहीं सकते, हद से ज़्यादा गर्मी हो गई है। ना कूलर सुनता है, ना दो दो पंखे, तीन तीन पंखे सुनते हैं। बस मैंने भी आज ठान लिया कि चलो गर्मी अपनी जगह और काम अपनी जगह, और मैं आज जो है सो अपने हिसाब से मॉर्निंग में फटाफट नींद तो खुली जाती है अपने टाइम से, तो मैंने सोचा कि चलो काम करते रहो और मॉर्निंग की काम हो जाएगी, इसी तरह गर्मी भी निकल जाएगी। तो उसके बाद जो है सो अच्छे से नहा धो लेंगे। तो बस वही मैंने की अपने हिसाब से सारा, मैं मॉर्निंग में ही फटाफट क्लीनिंग वगैरह कर ली और इसके साथ ही गर्मी लगती रही और मैं उसके बाद खाना भी बनाने लगी। और इसी में मैं खाना बनाते बनाते मैं रोटी भी बना रही हूँ, तो सब्जी मैंने बना ली फटाफट। और सब्जी बनाना यानी कि सबसे बड़ा काम हो जाना है, तो लंच के लिए मेरा सब्जी बन चुका है। और बच्चे भी गर्मी के कारण स्नान ध्यान कर चुके हैं, तो बस उनको भी भूख लग गई थी, तो मैं बोली कि चलो रोटी बना ही रही हूँ, तो हम मैंने उन लोगों के लिए दो चार पराठे बना दिए। और गर्मा गर्म उन लोगों को मैंने कहा कि चलो सॉस के साथ खा लो फिलहाल, क्योंकि सब्जी चढ़ी हुई थी, पूरी बनी हुई नहीं थी। तो बस उन लोगों ने भी ऐसा ही किया और भूख लगी हुई थी, तो पहले उन लोगों ने पराठा खा लिया और उसके बाद वो लोग पढ़ने के लिए बैठते। तो बस वो मैं आप देख रहे होंगे कि मैं बच्चों को दे रही हूँ पराठा बना के, और बच्चे जो है सो बड़ी वाली जो है सो अचार ले रही है। अब मैंने जो नींबू के अचार बनाए थे वही अचार वो आज पहली बार यूज़ कर रही है, देख रही है कि बना कि नहीं। बस उस नींबू के अचार में तो बस एक मंथ में ही बन जाता है, नींबू गल जाते हैं इस हिसाब से, इसलिए वो ट्राई कर रही थी कि गले हैं कि नहीं। और बस उसने वो नींबू का अचार और पराठा, वैसे भी पराठे के साथ अचार तो अच्छा लगता ही है और अचार के साथ पराठा अच्छा लगता ही है। तो बस बच्चे पराठे या अचार खाने लगे हैं, और जिन्हें अचार नहीं खाना है वो सॉस के साथ खा लिए हैं। बाबू भी थोड़ा बहुत खाया है, वैसे फेंका ही है उसने ज़्यादा। और मैं फटाफट किचन में पूरा फिनिशिंग कर रही हूँ वर्क को, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही है। आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों को किस तरह से मोड़ के रखा है, और फिर भी गैस के पास जो है सो पसीने छूट रहे हैं हमें। आप उसको साफ भी नहीं कर सकते, बाहर जा भी नहीं सकते, कितनी बार जाएंगे और पसीने पोंछ के आएंगे। तो बस फटाफट मैंने सोचा कि चलो इसको क्लीन ही कर देते हैं, किचन का वर्क ही फिनिश हो जाएगा तो फिर गर्मी का नाम ही नहीं रहेगा। तो मैं वही काम की, खाना बनाते बनाते ही मैं सोच रही थी कि और भी ऐसा कोई वर्क है जिसको फटाफट कर ही लूँ, जब इतनी गर्मी पड़ ही रही है तो सारे काम फिनिश हो जाए। तो मैं देखी कि सारे डब्बे जो हैं सो बहुत सारे डब्बे खाली हो चुके हैं, क्योंकि सामान बहुत सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं सोची लगे हाथ इनको भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि एक बार तो सारी क्लीनिंग हो नहीं पाती है। तो बहुत सारे डब्बे थे सबको, और जो थोड़ा बहुत डब्बा जिसमें था सामान वगैरह जो कम मात्रा में था, तो मैंने उनको भी खाली कर दिया और कैरी बैग में रख के मैंने उसको एक डब्बे में डाल के, और जितनी भी डब्बे थे किचन के, बहुत सारे डब्बे रहते हैं बड़े डब्बे छोटे डब्बे, तो इन सब डब्बों को मैंने जो क्लीन करना ही सोचा, और सोचा क्लीन कर देते हैं, पानी छूते रहेंगे तो थोड़ी गर्मी भी कम लगेगी। तो बस मैंने इन डब्बों को क्लीन करना शुरू कर दिया, और देख रहे होंगे आप कि मैं साफ़ कर रही हूँ सबको, और इसी तरह सारे डब्बे साफ़ कर ली। और जो
आटा वगैरह के ड्रम वगैरह रहते हैं वो भी ख़त्म ही थे, तो मैंने उन सबको भी धो दिया। तो ये देखिए गर्मी में एक और काम बढ़ा ही ली मैं, और धीरे धीरे जो काम सब था मैं एक साथ फिनिश करना ही चाहिए, और खाना बनाते ही बनाते मैंने इनको भी क्लीन कर लिया। और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे? मैं चेतना, आप सब देख रहे हैं चेतना ब्लॉग, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं ठीक हूँ, और आज मैं पूरे घर का नहीं सिर्फ किचन का क्लीनिंग कर रही थी। बहुत सारे डब्बे गंदे हो गए थे तो बस उसी में लग गई थी। मॉर्निंग तो जल्दी उठी पर पता नहीं कितना काम हो गया करते करते करते, और गर्मी इतनी बढ़ गई है कि बता नहीं सकते हैं। बाबा रे बाबा, सवेरे उठी तो लगा थोड़ा गर्मी कम रहेगा पर नहीं, काम करते 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 कितनी बार भेंगी पतले से, फिर भी शुरू कर दी थी। तो बस डब्बों सबका क्लीनिंग हो चुका है, और अब नहाना भी हो गया है, खाना भी लंच में के लिए मैंने फटाफट बना लिया उसी टाइम में, और उसके बाद मैं क्लीनिंग की बनाने के बाद पूरा हटा के सामान को, तो इसलिए वो सब काम हो चुका है। और अभी बज चुके हैं 12, और आज नहाने में भी लेट हो गया तो बस 12 बज गए हैं। और अब दूसरा काम होगा बच्चों का, जो है कुछ नाश्ता उतना नहीं किए हैं, अब जा रही हूँ कुछ खाने के लिए दूंगी। पराठा एक बना रही थी तो सब खा लिए हैं, अब बोल रहे हैं फिर से भूख लगी है, तो देखते हैं, खाना तो अभी खाएंगे नहीं तो कुछ और स्पेशल कुछ बना देते हैं, लेकिन गर्मी बहुत है इसलिए कुछ टाइम कम लगे वो बना दूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ अब खुद नाश्ता करने के लिए और चाय पीने के लिए। चाय सवेर से नहीं पी हूँ, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। अभी अब नहा के आई हूँ तो मैं थोड़ा चाय पीऊँगी, और बाबू को सुलाना है। बाबू अभी तक सोया नहीं है। बाबू हाय कर दो, बाबू हेलो कर दो, हेलो। बाबू बाल भी नहीं झाड़ा है, अभी बाबू का बाल झड़ाएगा, और अभी हम लोग थोड़ी देर मस्ती करेंगे क्योंकि सवेरे से सब कोई अपना अपना काम कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए, अब हम लोग थोड़ी मस्ती करेंगे, थोड़ी टीवी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग मैं चाय पीऊंगी और बच्चे कुछ खाएंगे, बाबू को सुला दूंगी, फिर काम होगा। काम का तो अंत ही नहीं है, तो चलिए फिर मिलते हैं। तो ये देख रहे हैं आज कि मैं जितने सारे डब्बे मैं धो रही थी तो बस अब उनको सुखाना भी है, तो मैं बाहर बालकोनी में आ गई हूँ और उनको पलट के मैं इस तरह से डाल देती हूँ। मैंने सारे ढक्कन के ऊपर सारे डब्बे डाल दिए हैं और सबको पलट दिया है ताकि पानी पूरा नीचे से निकल जाए और सूख जाए। तो सूखने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, पर इसलिए फैला के सारा मैंने दे दिया है, तो बस ये थोड़ी देर में सूख ही जाएंगे। और मेरा किचन का काम तो अब पूरा हो ही चुका है, बस यही बाकी रह गया था इसको यहाँ पे, तो मैं दे दी, याद नहीं रहा तो अभी मैं दे दी हूँ इसको। बस मेरी चाय हो चुकी है, मैंने चाय पी ली है, और चाय पीते पीते मैं थोड़ा पेपर भी देख लेती हूँ। अगर दिन में एक बार पेपर ना देखो तो बस लगा रहता है कि पेपर में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चाय पीते पीते मैंने इसकी चुस्की भी ले ली है, और मैं बोली थी कि बाबू को सुलाना है, तो देख सकते हैं आप कि बाबू सो चुका है, इसलिए मैं आराम से पेपर भी पढ़ रही हूँ, वरना वो पढ़ने कहाँ देता है। अभी देखिए बाबू उठ चुका है और मेरा दूसरा काम भी शुरू हो चुका है, कपड़े वगैरह थे तो मैंने उन कपड़ों को डाल दिया है, थोड़े से भींगे जो होंगे उसको पलट रही हूँ, और जो सूख गए हैं मैं उन सब कपड़ों को उठा के रख रही हूँ, ये भी एक काम ज़रूरी है। सूखे हुए कपड़ों को हटाएंगे तभी हम भींगे हुए कपड़ों को डालेंगे।
अब बारी आ गई है कपड़ों को ठीक करने की भी, तो बस मैं कपड़े ठीक करने के लिए आई हूँ। और पानी कुछ गिरा हुआ था पूजा करते वक्त, तो मैं उसको उठा रही थी। और ये देख सकते हैं आप, मेरी बेटी मेरे पीछे पीछे कैसे गोल गोल घुमा के मुझे चक्कर दे रही है। तो बस इसी हंसी छिटोले के साथ मेरी क्लीनिंग भी हो जाती है और थोड़ी बहुत सफाई भी हो जाती है। और ये सो रही है मेरी बड़ी बेटी। मेरी छोटी बेटी को नींद नहीं आती है तो वो सोती नहीं है दिन भर, और दिन भर ऐसे ही घूमती रहती है पीछे पीछे। और मैं सो भी जाऊंगी तो भी वो नहीं सोती है। तो बस बाबू का कपड़ा भी बिखरा रहता है तो उसके कपड़ों को ठीक कर रही हूँ, उसके बास्केट्स को ठीक कर रही हूँ। और उसके कपड़े तो हमेशा बिखरे रहते हैं, बास्केट को भी सब इधर से उधर कर देता है तो हमेशा बिगड़ा ही रहता है, तो कभी कभी ठीक कर देती हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि मैं डब्बों को ठीक कर रही हूँ, और ये सब डब्बे सूख चुके हैं तो उन सब डब्बों को अब जगह पे रखना है। तो मैं बारी बारी से दे रही हूँ बच्चों को कि चलो, ये बच्चे डब्बे से खेल रहे थे अभी तो मुझे लगा फूट जाएगा, तो मैंने कहा कि चलो हटो बंद करके ये लो और रख के आ जाओ। तो बस बच्चों ने उन्हें भी खेल समझा और ये लेके रखने लगे। और मैं देख रही हूँ कि कहीं चींटी तो नहीं लग गया है, क्योंकि आजकल चींटी का बहुत मौसम है। और ये वही अचार है जिसे मैं देख रही हूँ कि पानी है कि गल गया है कि नहीं गला है। तो ये मैं अभी अपनी नीचे बालकोनी का नीचे ग्राउंड का दिखा रही थी, जहाँ पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है। तो बस वही सामान सब बिखरे पड़े हैं और लेबर वगैरह सब लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि काम चल रहा है, और सामने रोड पर भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। तो अभी यहाँ आसपास बहुत सारे घर में काम चल रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा पेड़ सब भी लगा हुआ है। तो अभी सामानों के बीच इन पेड़ों की देखभाल नहीं हो रही है, पर बहुत अच्छे लगते हैं ये पेड़। तो अब बस बच्चे पढ़ाई करने के लिए बैठ गए हैं, और आज 5 सितंबर है तो टीचर्स डे के बारे में सब बातें कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा बहुत बोल रही हूँ, पूछ रही हूँ। तो आज है 5 सितंबर और हम लोग आप भी बातें करेंगे 5 सितंबर को क्या होता है, स्पेशल डे क्यों मनाया जाता है ना बाबू? तो आज क्या क्यों स्पेशल डे है 5 सितंबर, और इस दिन को क्या होता था? पहले जमाने में तो टिकट दिए जाते थे स्कूल वगैरह में, पर अब तो शायद नहीं दिए जाते हैं। तेरे के लाइट चला शुरू हो गया। अब देख स्पेशल डे है तो इसलिए अब उसके बारे में बच्चों से कुछ सुनते हैं। टीचर्स डे बच्चों का ही डे होता है, तो चलो टीचर्स डे के बारे में बताइए। टीचर्स डे के दिन सर्वपल्ली राधा कृष्णन का बर्थडे मनाया जाता है। उनका बर्थडे 5 सितंबर 1888 को था। वह हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्हें इस दिन को उनका जन्मदिन से इसलिए मनाया जाता है कि उन्हें यह गर्व नहीं था कि वह वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्हें इस बात का गर्व था कि वह पहले एक टीचर है, इसलिए उनके सम्मान में हम टीचर्स डे मनाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छे इतने तो समझते हैं, आप समझती हो कुछ? आप बताओ 5 सितंबर को क्या होता है?
टीचर से मनाया जाता है। टीचर से किन के नाम पे मनाया जाता है वो पता है? बताइए नाम, बताइए नाम। सर्वप्रल्लव राधा कृष्णन। तो ये एक टीचर भी थे और हाँ वाइस प्रेसिडेंट थे, जिसको बोलते हैं हम राष्ट्रपति। तो ये बहुत अच्छे इंसान थे, है ना? समझना चाहिए ना 5 सितंबर को स्कूल क्यों बंद रहता है, क्या रहता है ना बंद। तो आज कुछ नहीं किया टीचर डे पे, कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं लिखा। चलो तो कोई बात नहीं, अगले साल से बनाऊंगा। क्या बनाया तुमने? टीचर्स का फोटो लगाई। टीचर क्या बनाई, क्या हुआ? कुछ ड्राइंग की हो? ड्राइंग की हो कुछ नहीं, ड्राइंग नहीं, सिर्फ ऑनलाइन टिप्स हुआ है। ऑनलाइन की दुनिया में बस ऑनलाइन टिप टिप, और तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हाथों की कलाकारी तो कहाँ चली गई पता नहीं। तो चलो इसी के साथ जो है आज 5 सितंबर टीचर्स डे के साथ हम लोग इस ब्लॉग को खत्म करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन फटाक से मिल जाए आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर नए हैं तो जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।